अंकल, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं 6 दिन से अस्पताल में हूँ, यहाँ जो भी आता है रोते हुए आता है, चिल्लाते हुए आता है, उम्र गया आ मर गया, मगर आप तो एकदम फिट हैं, फिर आप क्यों भर्ती हुए? ये इसलिए भर्ती हुए बेटा क्योंकि इन्हें किसी का भुर्ता बनाना है। मजाक छोड़िए ना अंकल, इनको क्या बीमारी है बताइए ना। मैं बताता हूँ, इनके दिमाग में कीड़े हो गए, उसी का इलाज करवाने आए। लगता है मेरी बीमारी के बारे में काफी जानकारी है आपको। हाँ, इस बीमारी को अच्छी तरह पहचानता हूं मैं। यही बीमारी इसी अस्पताल में एक डॉक्टर को भी हो गई थी। हमने उसका ऐसा इलाज किया कि अब उसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप मुझ पर वही ट्रीटमेंट दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना। फिक्र मत करो, तुम्हारा इलाज पूरी जांच पड़ताल के बाद बहुत ही खास डॉक्टरों से करवाया जाए। ये इलाज तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगे सस्ते की फिक्र मैं नहीं करता, बस इलाज इस तरह होना चाहिए कि बीमारी का नामो निशान तक बाकी ना रहे। यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए। और इसका नमूना कल सुबह होने से पहले हम तुम्हें दिखा देंगे। God bless you, my son. हटो भैया हटो। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जिंदा है? यस सर। ओह नो प्रॉब्लम। लगता तो यही है, लेकिन ये अस्पताल में क्या कर रहा है? लगता है राय बहादुर का आदमी है। पूछना पड़ेगा। हेलो। कैसे हो बेटे, आप तबीयत कैसी है? कुछ दिनों का मेहमान है सर, बचने का कोई चांस नहीं। क्यों, ऐसी क्या बीमारी हो गई है इसे? ये पूछिए कौन सी बीमारी नहीं है इसे। सब सब केले की वजह से। केले? केले की वजह से? एक दर्जन केले खा लिए। एक दर्जन केले? सर्दी हो गई। सर्दी? सर्दी का इलाज कराया तो बुखार हो गया। बुखार? बुखार की दवाइयां ली तो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड? टाइफाइड से निकला तो मलेरिया हो गया। मलेरिया? मच्छर बहुत है ना। फिर आगे क्या हुआ? पेट में दर्द शुरू हो गया सर। फिर एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाया तो अपेंडिक्स अपेंडिक्स कटवाया तो किडनी फेल। किडनी? और जब इसे पता चला कि किडनी फेल है इसकी सर, इसे हार्ट अटैक हो गया सर। हार्ट अटैक? डॉक्टरों ने कहा। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा? कि इसे इसे एड्स है सर। एड्स? एड्स है इसे। और सब सब केले की वजह से सर। केले की वजह से? केले की वजह से? नहीं खाऊंगा कभी केले, नहीं खाऊंगा। मैं चलता हूँ सर। यहाँ एड्स? 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 चलता हूँ बेटे। जा रहे हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? कफन लेने। क्या? फोन करने। फोन करने? हाँ आता हूँ। चलता हूँ चलता हूँ। साला भाग गया। क्या कह रहे हैं आप डैडी? बेटी उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अरे मैंने उसे देखा है, अच्छी खासी बीमारियों का गोदाम है उसका शरीर। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, हो सकता है वो कोई और हो। वो वही है जिसकी तस्वीर तुमने मुझे दी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डैडी, आप वही रुकिए मैं हेलीकॉप्टर से पहुँचती। नहीं बेटी वहाँ नहीं, यहाँ यहाँ इस तरफ। डैडी आपने तो कहा था उसे ढेर सारी बीमारियाँ हैं, तो उसे आईसीयू में होना चाहिए था। ये जनरल वार्ड में कहाँ ले आए हैं आप? बेटी उसे बहुत सारी जनरल बीमारियाँ हैं। ओह माय गॉड। ये रहा। चलो 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 चलो। अजय? अजय पूजा तुम? मुझे डैडी ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। कौन डैडी? राय बहादुर? नहीं नहीं मैं हूँ इस बदनसीब बेटी का बाप।
बेटे अगर तुम्हारा 1% बचने का भी चांस होता ना तो मैं अपनी सारी दौलत तुम पर लुटा देता, अपना प्रेस बेच देता, अपने आप को बेच देता, लेकिन तुम तो गॉन केस हो बेटे। बताओ ना अजय, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बताता हूँ। राज तुम यहाँ? हाँ, ऐसे गुप्त रह गए। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ समस्या क्या है। आइए आइए, चलो कम, चलो चलो बेटी चलो। गॉड ब्लेस यू माई सन। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। फिर एक दर्जन केले खाओ खाओ, अब क्या फर्क पड़ने वाला। अच्छा तो ये कहानी है, इसलिए तुम दोनों को ये ड्रामा खेलना पड़ा। और ये सला लाल बहादुर, राय बहादुर अस्पताल की आड़ में ये गुल खिला रहा है। बस अब उसके काले कारनामों से मैं पर्दा हटा कर ही रहूंगा और मेरा अखबार यूं बिकेगा यूं। देखिए अंकल, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अभी अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है वो, उसे ठोस सबूत ढूंढने दीजिए, उसके बाद आपको जो लिखना है अखबार में लिख लीजिएगा। बस ठीक कह रहे हैं डैड, आपकी एक गलती से अजय के किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। केले ले 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 ले। चाय के साथ केले, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? क्यों आपको कोई एतराज है? नहीं मुझे क्या, खा ले बेटे खा ले, अस्पताल पूरा खाली पड़ा हुआ है। चाय। एक मिनट रुकिए, आप सर चाय बना? हाँ जरूर, रहने दो मैं बना लेता हूं। दीदी ने बनाने दीजिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है, बनाइए ना। ओह श्योर। दो चम्मच चीनी, मुझे मीठा बहुत पसंद है। दूध भी डालिए ना। जी डालती हूँ, जरा हिला दीजिए ना। अच्छा। राज, चाय इसीलिए बनवाई जा रही थी ना? नहीं मैं वो क्या, किसी ने हमें देखा तो नहीं? नहीं, हम तीनों में से किसी ने नहीं देखा। कट, आप चाय पीजिए, मैं गाना गा के आता हूँ। गाना? यस, अटैक। ओके। तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब शाम के अखबार में एक तस्वीर छपेगी जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि राय बहादुर ने अखबार के एडिटर को सच्चाई लिखने पर जान से मार देने की धमकी दी। मैं तेरा खून भी खाऊंगा। और यही बात इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। प्लेजर। मैं तुम सबको देखूंगा। राय साहब, बाय द वे, आपके बीवी बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि घर जाकर आखिरी बार आप अपने बीवी बच्चों को प्यार से गले लगा सके और ये झुनझुना भी उन्हें दे सके, क्योंकि कल डॉक्टर जगदीश की गवाही के बाद आप इसे खेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। हरामजादा मुझे चैलेंज करता है, मुझे? अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए राय साहब। देखो, तुम अच्छी तरह से अपने बेटे को समझा देना, वरना उसके साथ वो भी मारा जाएगा। प्लीज राय साहब, मेरे बेटे को उस मामले में मत घसीटिए, मैं रोकूंगा उसे। बाकी रही डॉक्टर जगदीश की बात, मैं आपको यकीन दिलाता हूं राय साहब कि वो कल कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही नहीं दे सकेगा। चलो। Thank you.